हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। तो डीसी मशीन जो है, इसके अंदर डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये दोनों मशीन आती हैं। तो डीसी जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मशीन जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं। और डीसी मोटर क्या होता है? विच इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो मशीन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम डीसी मोटर कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, पहले इसकी डीसी जनरेटर, GNERTO, डीसी जनरेटर। इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। दूसरा है डीसी मोटर इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, उसे हम डीसी मोटर कहते हैं। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं कि ये किस तरह का होता है डीसी मशीन। तो इसका सबसे पहले आउटर फ्रेम बनाएंगे। ये आउटर फ्रेम है, इसके समझते हैं, जल्दी बन जाएगा। आउटर फ्रेम बना लिया हमने इसका। आउटर फ्रेम बन गया, उसके बाद यहाँ बनाएंगे पोल। फोर पोल बना लीजिए। ये हमारे पोल हो गए। फील्ड वाइंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव एक टर्मिनल इसका यहाँ, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर कोर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे कम्यूटेटर। ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। इसके ऊपर कार्बन ब्रशेस,
जितने पोल होंगे उतने हमारे कार्बन ब्रश लगेंगे। 1, 2, 3, 4 हैं तो 4 हमारे कार्बन ब्रश लगेंगे। 1, 2, 3 एंड 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, प्लस को प्लस के साथ। ठीक है, और दे दिया हमने इसको सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव को नेगेटिव से कर दिए थे। इसको ये नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा एन एन एस एस और एस पोल, ठीक है। नाम लिख लेते हैं इसका, फिट और बना लेते हैं। ये है हमारा फिट, ठीक है, नाम लिख लेते हैं इसके। ये हमारा योक और फ्रेम कहते हैं इसे, योक और फ्रेम, ठीक है। ये है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर, इसी के ऊपर वाइंडिंग होता है, ये बना लीजिए वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगा ये। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ये इसका फिट है। एक क्रेन से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए इसको कहते हैं लिफ्टिंग आई, क्या कहते हैं, लिफ्टिंग आई, लिफ्टिंग आई, ठीक है। ये जो पोल के आगे वाला पार्ट है इसको कहते हैं पोल सो, पोल एस एच ओ सो, ठीक है। इन दोनों के बीच में एयर गैप होता है, एयर गैप, यहाँ पर एक शाफ्ट होता है, ये हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट, ठीक है, और ये कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ठीक है। ये ब्रश, ठीक है, ये इसका जो है कंस्ट्रक्शन है डीसी मशीन का, ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है। अब जो है डीसी मशीन में एक मैंने आपको बताया था कि होता है जनरेटर और मोटर, तो पहले हम डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। डीसी अगर जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर, उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे जितने भी पार्ट्स हैं इन पार्ट्स का क्या काम है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, इसे बाद में करेंगे, पहले करते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट्स। तो पहला जो है हमारा योक, योक क्या होता है और इसका क्या काम है, योक और फ्रेम जिसको कहते हैं। जो ये डीसी मशीन है, डीसी मशीन का जो बाहर वाला जो पार्ट है इसे हम फ्रेम या योक कहते हैं। इसका काम ये जो है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, कास्ट आयरन हो सकता है या स्टील का बना हुआ हो सकता है। योक का काम है, इसके दो काम होते हैं, पहला काम तो होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन करना, ठीक है, बाहर से कुछ टकरा ना जाए, इसलिए ये क्या काम करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है। दूसरा इसका काम होता है लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो पाथ प्रोवाइड करना। तो इस पर लिख लेंगे आउटर फ्रेम ऑफ डीसी मशीन इज कॉल्ड आउटर फ्रेम
फ्रेम ऑफ ए डीसी मशीन इज कॉल्ड एज योक। ये दोनों के लिए है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के लिए है, ठीक है। योक इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और स्टील। योक प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द आउटर पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है फील्ड वाइंडिंग। ये जो हमने यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग बना रखी है, ये फील्ड वाइंडिंग। सेकंड है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग किस चीज़ का बना होता है? फील्ड वाइंडिंग बना होता है कॉपर का, जो एक फॉर्मर होता है उसके ऊपर वाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग क्या है, आपस में ये सारे यहाँ फील्ड वाइंडिंग इससे इसमें सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो ये आपस में सारे क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और इसको बाहर से सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी सप्लाई देकर इसे एनर्जाइज किया जाता है। तो जब इसको सप्लाई देते हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव, उस समय इसमें अल्टरनेट पोल्स बनते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस पर लिखेंगे दे आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। फील्ड कोयल आर फॉर्मर वाउंड एंड प्लेस्ड ऑन ईच पोल and connected in series. और जब इसको सप्लाई दिया जाता है तब यह एनर्जाइज होकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आर्मेचर कोर, इसको यहीं रख देते हैं, ठीक है। आर्मेचर कोर थर्ड आर्मेचर कोर इसमें ये हमने बनाया है आर्मेचर कोर, ये आर्मेचर कोर जो है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इस पर ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये इस तरह का होता है सिलेंड्रिकल शेप से, और इसके अंदर जो है स्लॉट कटे हुए रहते हैं, ये इस तरह से होता है। ये हमारा स्लॉट है, ये से कनेक्टेड है, ये इससे ठीक है। इस पे ये स्लॉट कटे हुए रहते हैं, इन स्लॉट के अंदर जो है हम वाइंडिंग करते हैं, और जो कोर है कोर में एक्सियल फॉर्म में क्या होता है, होल होते हैं। होल इसलिए होता है जिससे कि कूलिंग के लिए, जैसे कि ये हीटअप हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग की व्यवस्था होती है। इस तरह से ये हजारों डिस्क होते हैं आपस में एक दूसरे से, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से करके हजारों एक साथ आपस में कनेक्टेड कर दिए जाते हैं। ये सीट जो हैं आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर फाइनली इसको जो है की के साथ, यहाँ पर की लगा देते हैं, सारे एक साथ कनेक्टेड करके की लगा देते हैं,
तो ये एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ये सारे इन कोर पे वार्निश किया जाता है, वार्निश इसलिए किया जाता है जिससे कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है, एडी करंट लॉस और इसको पतला पहले तो बनाते हैं, बहुत पतली पतली स्टैम्पिंग होती है, इसे पतला इसलिए बनाते हैं जिससे कि एडी करंट लॉस हमारा कम से कम हो सके, और एक दूसरे से वार्निश करते हैं। और ये सिलिकॉन स्टील की होती हैं, वो इसलिए होती हैं जिससे कि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस मिनिमाइज किया जा सके। ये इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे, आर्मेचर कोर के बारे में इसको यहाँ लिखें। आर्मेचर कोर इज द रोटर ऑफ ए डीसी मशीन। आर्मेचर इज द रोटर, रोटर कहते हैं जो मूविंग मेंबर होता है उसे हम रोटर कहते हैं, जो रोटेट करता है। रोटर ऑफ ए डीसी मशीन, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद स्लॉट्स टू कैरी आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने बताया था ये किस चीज कैसे बना होता है, बिल्ट अप ऑफ थिन, बहुत पतला पतला होता है, थिन लैमिनेटेड सर्कुलर स्टील डिस्क, DISK डिस्क फॉर रिड्यूसिंग एडी करंट लॉसेस। मोटा होगा तो क्या होगा, मोटा होगा तो उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, है ना। एडी करंट लॉस P = λb²f²t²v। तो ये जो टी है ये थिकनेस है, थिकनेस जितना कम होगा उतना ही हमारा एडी करंट लॉस कम होगा, वी है वॉल्यूम। इसके बाद है आर्मेचर वाइंडिंग, ये जो हमने वो था, ये हमने फिगर जो बनाया था यहाँ पर, ये आर्मेचर कोर है, इसमें क्या होता है, ये हमने यहाँ स्लॉट काटे हुए हैं, इस स्लॉट के अंदर क्या होता है वाइंडिंग की जाती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, उससे हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जो है एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है, और साथ ही साथ जो है कम्यूटेटर से भी इंसुलेटेड होता है। ये दो तरह का होता है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, डबल लेयर और सिंगल लेयर। तो यहाँ लिखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, फोर्थ नंबर में आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने बताया ये कॉपर का बना होता है, तो इसमें कुछ पॉइंट लिख देंगे, आर्मेचर वाइंडिंग यूजुअली कॉपर कोयल विच कहाँ पे होता है, आर्मेचर कोर के ऊपर, रेस्ट इन आर्मेचर स्लॉट। और आर्मेचर कंडक्टर जो होते हैं एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर इंसुलेटेड ईच अदर एंड आल्सो आर्मेचर कोर से भी इंसुलेटेड होते हैं एंड आल्सो इंसुलेटेड फ्रॉम आर्मेचर कोर। और इसमें जो वाइंडिंग होता है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। डबल लेयर और सिंगल लेयर भी होता है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा ये था फिगर। नेक्स्ट कम्यूटेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर वो होता है कि अगर हम यहाँ बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं तो अंदर आर्मेचर में एसी में कन्वर्ट कर देता है, या फिर अगर ये तो है डीसी मोटर के लिए, और अगर हम जनरेटर की बात करें तो आर्मेचर में एसी जनरेट होता है, उस एसी को कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस करता है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर देता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर देता है। यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटर, ये भी उसी तरह से कॉपर का बना हुआ होता है। इसमें लिखेंगे फिजिकल कनेक्शन टू द आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर देखना, हाँ आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड थ्रू ए कम्यूटेटर, इज मेड थ्रू ए कम्यूटेटर। और इसके साथ क्या था, ये ब्रश, कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ठीक है। इसका फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, दोनों के लिए मोटर जनरेटर तो कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन, डीसी मशीन। फर्स्ट इट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन आर्मेचर कंडक्टर, टू ए डीसी यूनिडायरेक्शनल करंट इन द एक्सटर्नल लोड सर्किट है ना। किस चीज़ का बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ कॉपर सेगमेंट्स। और ये भी क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं इस तरह के, है ना, ये एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए जाते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से। यहाँ लिखेंगे मेड अप ऑफ कॉपर सेगमेंट्स विच आर इंसुलेटेड ईच अदर, ठीक है। ये हो गया, उसका लिखेंगे सिक्स नंबर, उसका है ये ब्रश। तो ब्रश का काम क्या होता है, करंट को रिसीविंग करना और सेंडिंग करना। अगर हमारा जनरेटर है तो करंट को ये सेंड करेगा आर्मेचर से एक्सटर्नल लोड की तरफ, यहाँ पे लोड लगा हुआ रहता है, आर्मेचर से लोड की तरफ ये सेंड करेगा। अगर ये मोटर है तो बाहर से करंट रिसीव करेगा। तो ब्रश का काम क्या हुआ, करंट को रिसीविंग करना और सेंडिंग करना, सिक्स नंबर है ब्रश। ब्रश जो है कार्बन का बना होता है या फिर ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें कॉपर के भी ब्रश बनाए जाते हैं, मगर वो मशीन्स जो है ज़्यादा रेटिंग के नहीं होते हैं, ठीक है। ब्रशेस आर यूजुअली मेड फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे ब्रशेस
आर यूजुअल ब्रशेस आर मेड फ्रॉम कार्बन और ग्रेफाइट ग्रेफाइट कहाँ पे लगा रहता है ये जो है हमारा कम्यूटेटर के ऊपर लगा रहता है ये तो लिखेंगे दे रेस्ट ऑन कम्यूटेटर सेगमेंट्स MENTS सेगमेंट्स एंड क्या होता है कि जैसे हमारा कम्यूटेटर घूमता रहता है रोटेट करता रहता है आर्मेचर के साथ तो जो कार्बन ब्रशेस हैं स्लाइड होते रहते हैं फिजिकली कॉन्टैक्ट में रहते हैं कम्यूटेटर रोटेट नहीं करता कम्यूटेटर एक जगह फिक्स रहता है स्लाइड होता रहता है वो रोटेट हमारा कम्यूटेटर इस तरह से रोटेट करता है और वो उसके ऊपर जो है फिक्स रहता है स्लाइड फिजिकली कॉन्टैक्ट में रहता है स्लाइड रहता है तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड वैन द कम्यूटेटर रोटेट्स कीपिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट टू रिसीविंग एंड सेंडिंग द करंट नेक्स्ट आता है हमारा बेयरिंग बेयरिंग क्या है बेयरिंग जो है जिसके ऊपर बेयरिंग साफ्ट जिस पर रोटेट करता है उस चीज़ को हम कहते हैं बेयरिंग तो ये बेयरिंग भी है एक तो जो स्मॉल मशीन्स होती हैं उसके लिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है और जो बड़ी मशीन्स होती हैं उसके लिए रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है तो यहाँ लिखेंगे विद स्मॉल मशीन्स को हम बेसिक दिया बॉल बेयरिंग में भी यूज्ड और जो लार्ज साइज की होती है लार्ज मशीन होती है उसके लिए रोलर बेयरिंग इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें साफ्ट का क्या काम होता है साफ्ट जो है जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको ट्रांसफ़र करता है ये ट्रांसफ़र मैकेनिकल पावर तो लिखेंगे 7-8 नंबर SHAFT साफ्ट ठीक है साफ्ट ट्रांसफ़र था मैकेनिकल पावर फ्रॉम और टू द मशीन मोटर के लिए भी और जनरेटर के लिए भी किस चीज़ का बना होता है ये भी जो है माइल्ड स्टील का बना होता है साफ्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील ठीक है इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं EMF इक्वेशन ऑफ DC मशीन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं EMF इक्वेशन ऑफ DC मशीन EMF इक्वेशन ये मोटर और जनरेटर दोनों के लिए वैलिड है मोटर एंड जनरेटर तो EMF इक्वेशन के लिए लिखेंगे पहले फ्लक्स फाई फ्लक्स पर पोल है ये फ्लक्स पर पोल P
पी टोटल नंबर ऑफ पोल, टोटल नंबर ऑफ पोल जेड है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर ए है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये है, इसमें हमारे कितने पैरेलल पाथ हैं, दो, एक ये है और एक ये है, तो एक कितने होंगे इसमें, दो। जो हमारा लैप वाइंडिंग है, LAP लैप वाइंडिंग, इसमें क्या होता है, जितने हमारे पोल होते हैं उसमें पैरल उतने ही पैरल पाथ होते हैं, A=P। और जो वेव वाइंडिंग है उसमें A का वैल्यू दो होता है, उसमें पैरल पाथ दो होते हैं। लैप वाइंडिंग में A=P होता है, जितने हमारे पोल होंगे उतने ही पैरल पाथ होंगे, और वेव वाइंडिंग में जितने वेव वाइंडिंग में A का वैल्यू दो होता है। तो A टोटल नंबर ऑफ पैरल पाथ, N लिखेंगे, N क्या है, RPM स्पीड इन RPM। तो जब क्या होता है, जब हमारा कंडक्टर रोटेट करता है, व्हेन आर्मेचर कंडक्टर जो रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कट होता है और उसमें EMF इंड्यूस्ड होता है। तो लिखेंगे व्हेन द आर्मेचर रोटेट्स इन फील्ड कंडक्टर कट द मैग्नेटिक फ्लक्स पी टाइम्स। तो एक कंडक्टर के द्वारा कितना फ्लक्स कटेगा, यहां लिखेंगे फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन पूरा एक रिवोल्यूशन में, इन वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, P × ∅। और पूरा एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कितना लगेगा, N/60। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेला क्या है, E=N(-N)d∅/dt। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेला इंड्यूस्ड ईएमएफ हम राइजिंग या डिके की बात नहीं कर रहे हैं, तो माइनस साइन नहीं लगाते, और एन का वैल्यू वन कंडक्टर के थ्रू है तो एन का वैल्यू वन होगा, तो E=d∅/dt। ठीक है, तो डी फाई हमने ऊपर निकाला है, पी फाई लिखेंगे, और ये डी टी 1/T फ्रीक्वेंसी, और ये है हमारा N/60 है इसका वैल्यू, 1/T है, 1/T कितना होता है, फ्रीक्वेंसी ये, और ये हमारा है रोटेशन। तो ये इसके इक्विवेलेंट हमने पुट कर दिया, N/60 आ गया। अब ये है वन कंडक्टर के थ्रू, और हमारे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, जेड, तो यहाँ लिखेंगे जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद सीरीज विद ए पैरेलल पाथ। तो कितना हो जाएगा ये, Z/A। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड E=P(ΦZN/60A।
60A, ये हमारा EMF का इक्वेशन है डीसी मशीन के लिए, जो मोटर और जनरेटर दोनों के लिए वैलिड है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, E प्रोपोर्शनल टू फाई N, अगर हमारा नंबर ऑफ पोल और Z और A हमारा कांस्टेंट रहे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई N, या E इक्वल टू K फाई N। K क्या है यहाँ पे, वेयर K इक्वल टू पी जेड अपॉन 60A। ठीक है, ये हमने जो है ये इतना जो है हमने K मान लिया, तो फाई N और ये हमने K मान लिया, K फाई N। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो इसको अलग रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल डीसी जनरेटर का, डीसी जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि व्हेन ए कंडक्टर रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। कहने का मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा पोल है, इस पोल से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, फील्ड हमारा किस तरह से किसका होगा, डीसी का फील्ड। डीसी का फील्ड क्यों होगा, क्योंकि डीसी का फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, एसी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पल्सुएटेड होता है, इसलिए हम डीसी का फील्ड यूज करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा डीसी की फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म है ये, ठीक है, और यहाँ हमारा जो कंडक्टर ये मूव कर रहा है, ये कंडक्टर है, ठीक है, हम इस कंडक्टर को इधर से मैकेनिकल हम पावर देंगे, उससे ये रोटेट करेगा, हमने यहाँ से इसको इस तरह से घुमाया, मान लीजिए हमने ओमेगा वेलोसिटी से इस तरह से इसको कंडक्टर को रोटेट किया, ठीक है। तो जो हमारा जनरेटर होता है, इस ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो जो जनरेटर होता है उसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है हमारा, ये राइट हैंड रूल है, तो इसमें जो हमारा ये फोर फिंगर है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा तो ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ये वाला मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन को बताता है, और ये जो थंब है इसकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर बताता है। इस तरह से हम रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरह से जब हम रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर करंट, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे अगर हम हैंड का फिगर बनाएं तो ये थोड़ा ये इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है, ये जो है तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये बना लो, ये बना लो, ठीक है। तो ये तो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये है करंट और ईएमएफ, यहाँ देखेंगे करंट आई और ई, यह है मोशन वी, ऊपर की तरफ लगेगा मोशन और वेलोसिटी वी। तो डेफिनेशन इसका लिख लीजिए, व्हेन अ कंडक्टर, व्हेन ए कंडक्टर रोटेट्स, रोटेट्स रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन इट, इज इंड्यूस्ड इन इट. The magnitude of the induced EMF in the conductor given by E equal to 2 times of N B L V sin theta, ये वोल्ट में, और E equal to E max sin theta. Theta हमारा यहाँ एंगल होता है tangential of armature conductor and magnetic field, where theta is the angle between conductor and line perpendicular to the magnetic axis. अरे या इसको ऐसे लिख दो, अभी जो मैंने बताया एंगल एएमजी एंगल बिटवीन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है. वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर. कौन सी वेलोसिटी है, पेरिफेरल कहते हैं उसे, पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरी पी एच ई आर पेरिफेरल वेलोसिटी, ठीक है. ये सपोज कीजिए ये हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है, और ये हमारा जो है कंडक्टर है, तो इसमें थीटा कहाँ होगा, वी कहाँ होगा, ये है, ठीक है. तो इसमें जो है इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है वी, ये वी है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन और टेंजेंशियल कंपोनेंट के बीच का एंगल ये है हमारा थीटा, ठीक है. ये हमारा वी पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इधर है हमारा वी साइन थीटा, किधर होगा ये हमारा एक्सिस, ये तो एक्सिस है हमारा, ठीक है. तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर है ये वी साइन थीटा, ठीक है, और वी कोस थीटा ये होगा, ये है मेन फील्ड, इसे लिखेंगे मेन फील्ड, ठीक है. ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा, ठीक है. आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है, थैंक यू.